हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 अगस्त तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगी, उनका अगला कदम, और लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि। 15 से 31 अगस्त तक आपके पार्टनर की इंटेंशन, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। अगर आप चाहें तो अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, उनको सोच सकते हैं। वृषभ राशि के पार्टनर, ओके, वृषभ राशि, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो आपको खोना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि वो आपको खो देंगे या फिर उन्होंने आपको खो दिया है। तो 15 से 31 अगस्त के बीच में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थोड़ा इमेच्योर डिसीजन आप दोनों की तरफ से हो सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि ठीक है, अगर इस रिश्ते में नहीं रहना है तो चले जाते हैं, जाने देते हैं। जब विश्वास ही नहीं है तो क्यों रहना है इस रिश्ते में। तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव फेस आ सकता है। ये आगे के कार्ड्स में हम देखेंगे कि क्या ये कंटिन्यू रहने वाला है या फिर कुछ ही टाइम के लिए आया है। सो स्टार्टिंग में मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट होगी तो उसमें आपके पार्टनर जो है थोड़ा इमेच्योर डिसीजन लेते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं कि ठीक है, अगर नहीं रहना है तो ओके, कोई बात नहीं। द ड्रीम एंड गोइंग विद द फ्लो, नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा वाटर एलिमेंट के कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके पार्टनर को है, बहुत ज़्यादा प्यार वो आपसे करते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, वो अपने प्यार का इजहार आपसे करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, उसकी वजह से हो सकता है कि इमेच्योरिटी में वो आपसे एक बार बोल दे कि अच्छा ठीक है, जाने दो, तुम्हें नहीं रहना है, मत रहो, जो करना है करो। लेकिन नहीं, एक्चुअली आप उनकी दिल में, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, आपके अलावा कोई भी उनकी लाइफ में अभी नहीं है। इसकी वजह से अगर कुछ ऐसी बात हो भी जाएगी तो देखना वो उसी वक्त चीज़ें ठीक कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मन में जानते हैं कि यार मैं 2 घंटे भी नहीं रह सकता इस इंसान के बिना, तो मैं कैसे इसके बिना टाइम निकालूंगी या निकालूंगा। तो फिर वापस आपको मना लेंगे और आपसे बहुत सारी मीठी मीठी बातें करके और वो कहने वाले हैं कि ठीक है चलो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, तुम्हें अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर दो, अगर मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमसे शेयर कर दूंगी या कर दूंगा। तो यहाँ पर झगड़े भी हो रहे हैं लेकिन वापस मीठी मीठी बातों से चीज़ें पूरी तरह से ठीक होती हुई भी नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर पर विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आपकी तरफ से वृषभ राशि मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत बार क्लेरिफाई कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट रहता है। सो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि 15 से 31 के बीच में आपके पार्टनर फिर से कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ कि आप चीज़ों को समझो, आप उन पर विश्वास करो, आपके मन में जो भी गलत फहमियाँ हैं उनके लिए वो ठीक हो जाए। तो इस तरह की कोशिश आपके पार्टनर की फिर भी चलती रहने वाली है। यस, इस बार आपके पार्टनर आपसे कहने वाले हैं कि देखो, सराउंडिंग में बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो कि हमें मिलेंगे, जो कि हमारे साथ काम करेंगे, जो कि हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फ्रेंड्स है। मेरा लाइफ का जो टोटलिटी है, जो मेरी लाइफ के जो एक कंप्लीशन है, वो तुमसे है सिर्फ, वो सिर्फ तुम हो। मेरा सॉलमेट जो है वो सिर्फ तुम हो, उसके अलावा कोई नहीं। तो आपके पार्टनर जो है वो आपसे इस तरह बोलने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा अग्रेसिव होकर वो आपसे बात करे, हो सकता है कि वो गुस्से में आपसे समझाए, थोड़ा रूडली बात करके समझाए कि यार बहुत हो गया, हर बार तुम एक ही बात को लेकर आते हो और एक ही बात को लेकर झगड़ा करते हो, तो ऐसा नहीं है, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, और जो भी है सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, बाकी जो भी है वो सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो क्लोज फ्रेंड्स हैं हमारे, मतलब कि ऐसे लोग हैं हमारी लाइफ में जो रहना ज़रूरी है।
तो उसकी वजह से जो समझाने वाले हैं आपके पार्टनर आपसे, जो आपसे बात करने वाले हैं, उसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। थोड़ा आप भी सोशल लाइफ को समझने की कोशिश करने लगोगे, आप भी लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करने लगोगे, आप एक्चुअली समझोगे कि पार्टनर कैसा होता है, पार्टनर का नेचर कैसा होता है। आप पता है रेजोनेट कर पाओगे अपनी फैमिली मेम्बर्स से, आप देख पाओगे कि यस, हो सकता है आप अपने फादर से रेजोनेट करो कि यार आप अपने फादर के लिए सोचो कि यस उनका बिहेवियर अपनी मॉम के लिए कैसा है, वो किस तरह बिहेव करते हैं, वो सोसाइटी के लिए भी सोसाइटी को भी उतना ही इम्पोर्टेंट मानते हैं जितना कि आपकी मॉम को इम्पोर्टेंस देते हैं, मॉम को ज़्यादा देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी एक हिस्सा है उनकी लाइफ का। सेम उसी तरह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आप अपने दिमाग से सोचोगे चीज़ों को और ठीक करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन के मन की बात, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मैंने कहा ना वो बहुत ट्राई करने वाले हैं, वो आपको समझाने वाले हैं कि यार एक चांस और देते हैं इस रिश्ते को, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशन है उनके मन में आपके लिए, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। वो जब भी आपके साथ होते हैं वो सारी दुनिया को भूल जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसकी वजह से वो आपके साथ एक और चांस मांग रहे हैं। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए वो अपनी तरफ से माफ़ी भी मांगने वाले हैं, आपको सॉरी भी बोलने वाले हैं और आपको कन्वेंस करने वाले हैं कि यार चलो ठीक है, चीज़ों को ठीक कर दो, जो हुआ उसे जाने दो। हीलिंग फैमिली इशूज़ एंड यू डिज़र्व लव। ओके, देखिए जो प्यार करता है वो समझता है कि आपका खुश रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उनका है, राइट। जो प्यार नहीं करता है, सिर्फ दिखावा करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप खुश हो अपनी लाइफ में, नहीं हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पर आपके पार्टनर अगर चाहते हैं कि भाई तुम प्यार डिज़र्व करते हो, तुम्हारी लाइफ के जो भी इशूज़ हैं मैं उसे क्लियर करूँगी या करूँगा, तो यहाँ आप समझिए कि एक्चुअली प्यार है, सच में एक कनेक्शन है कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से नहीं खोना चाहिए, छोटे से ट्रस्ट इशू की वजह से उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर किसी भी तरह का फैमिली इशूज़ है तो उसको भी वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, हील करने की कोशिश करेंगे और आपको भी बहुत सारी खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो हो सकता है कि वो सरप्राइज़ आपको दे दे, वो गिफ्ट आपको दे दे, वो वैसा करे जो आपको अच्छा लगता है, तो ऐसा भी इन 15 दिनों में पॉसिबल है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। यस, आपके पार्टनर पता है दो बातें यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं, उनके मन में दो बातें चल रही है कि ना तो खुद को कंट्रोल करो, ना मुझे कंट्रोल करो, ना लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करो। जो सिचुएशन चल रही है उसे नेचुरली चलने दो ना, क्यों उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है, जो होगा वो देखा जाएगा। अपने आप से प्यार करो, तुम्हें जिस चीज़ से खुशी मिलती है तुमसे वो करो, तुम किसी दूसरी तरफ फोकस करो ही मत, तो अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। ऐसा पता है सही भी है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जो इंसान समझ जाता है, जो इंसान अपनी लाइफ में आजमा लेता है उसकी लाइफ में खुशियाँ आते हुए देर नहीं लगती। जो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो सिर्फ सोचते रहते हैं मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, ये कैसे हुआ, वो इंसान कभी ठीक नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन आपसे ये बात कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करो, आप खुद अपने आप में अपनी खुशियों में बदलाव देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। आपके पार्टनर का अगला कदम वृषभ राशि आपकी तरफ क्या होगा। वाओ, 333 की एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चैटिंग और एक दूसरे के लिए मतलब बहुत सारे प्यार भरे वादे करना। एंड मैं यहाँ पे भी देख पा रही हूँ कि एक मन में अपना पार्टनर मान लेना किसी को, वो यहाँ पे सिचुएशन इन 15 दिनों में हो सकती है। आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली से भी आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फैमिली से नहीं तो अपने सिबलिंग से तो वो ज़रूर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपको। आप दोनों मिलके बहुत अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हो, जी सकते हो, पार्टीज़ कर सकते हो, घूम फिर सकते हो इन 15 दिनों में।
एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि यस, अब आपके मन मिलने लग गए हैं, क्योंकि अब आप समझ गए हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो आपके पार्टनर का जो अगला कदम है वो बहुत ही पॉजिटिव आपकी तरफ रहने वाला है। वाओ, 10 of cups के साथ द एम्प्रेस अगर आ जाए तो बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए शादी भी दिख रही है मुझे, कोई अच्छा पार्टनर लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, और उसके साथ ही मैरिज दिख रही है मुझे यहाँ पर। घर में कोई बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके या आपके पार्टनर के दोनों में से किसी के भी घर में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पर हो सकता है। ओके, अब कोई नेगेटिव थिंकिंग आप नहीं आने दोगे, आपके पार्टनर ये चाहते हैं आपसे। आपके पार्टनर आपको समझाएंगे, भाई तुम प्रैक्टिकल बन जाओ, इतना इमोशंस लेकर मत जियो, कि कोई इंसान अगर लाइफ में नहीं है तो मैं जी नहीं सकता, इतने इमोशंस लेके मत जियो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। वृषभ राशि के पार्टनर वृषभ राशि से क्या चाहते हैं। द टेम्पल पाथ एंड एंजल ऑफ बैलेंस, तो ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पर अगेन ये दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर मन खराब है, अगर लगता है कि मन बैलेंस नहीं है, आपको खुश रहने की ज़रूरत है, तो थोड़ा दूरियाँ रखो, डिस्टेंस मेंटेन करो उन लोगों से जो सच में आपको डिज़र्व नहीं करते। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा मंदिर जाओ, थोड़ा स्पिरिचुअल बनो, भगवान पे विश्वास रखो, कर्मा पे विश्वास करो। आप, हो सकता है आप थोड़ा सा ऐसे पर्सन हो जिसको इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनो, कर्मा बिलीवर बनो। आप लोगों के साथ गलत मत करो, बदला लेने की कोशिश मत करो, अगर आपको कर्मा पे विश्वास है तो वो अपने आप उनको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो आपको चाहते हैं कि आप उनके साथ ट्रिप पे जाओ, चाहे वो स्पिरिचुअल ट्रिप हो, और वो चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल बन जाओ। ठीक है, ऑल टाइड अप एंड कैरिंग कनेक्शन, यस, आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, वो चाहते हैं कि आप किसी बर्डन से फ्री हो जाओ। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है कि मैं, आपके कुछ रूल्स हो सकते हैं लाइफ जीने के, कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है लाइफ में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने वाले हो सकते हो कि जब तक ये नहीं मिलेगा मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आप अपनी लाइफ जीते भी नहीं हो, पता है, आप कहते हैं ना, कोई इंसान कुड़ता ही रहता है कि लाइफ अच्छी नहीं है, लाइफ में नेगेटिविटी है, कोई खुशियाँ नहीं है, मेरी तो कोई हॉबी नहीं है। तो ये सब मत करो, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप खूब इन्जॉय करो। वो एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत केयर करते हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, तो उनके प्यार को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करो, उनके प्यार को समझने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हम देखेंगे आपको एंजल और एंसेस्टर क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। वृषभ राशि आपके पार्टनर, आपके एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं 15th to 31st August के लिए। बास्क इन जॉय एंड लाइट, ओके, रिलीज द ओल्ड इंटरेस्ट। देखिए दोनों सीजन कार्ड यहाँ पर आए हैं, तो समर एंड ऑटोमन। ठीक है, तो हो सकता है कि समर तक और ऑटोमन तक, पहले तो मैं ये कहूँगी कि कोई नई खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सकती है, न्यू चैप्टर आपके स्टार्ट हो सकते हैं। स्पेशली ऑटोमन सीजन आने वाला है, तो हो सकता है कि पुरानी सारी नेगेटिव एनर्जी को आप रिलीज करोगे इस सीज़न में, और एक नई लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है नवंबर दिसंबर तक। बहुत सारे चेंजेस आप में आ सकते हैं, बट कैसे लेना है उसको, कैच करना है उस मौके को, उसमें भी कमियां नहीं निकालनी है आपको। डंक नहीं मारने हैं कि भाई ये तो भगवान ने दिया ही नहीं, सिर्फ इतना से ही दे दिया मुझे, ऐसा मत करना। जो मिल रही है ना उसको फटाफट इकट्ठा कर लेना कि यस, ये चीज़ मुझे मिल रही है, मुझे चाहिए ये लाइफ में। तो यहाँ पर जो है वो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जो पुरानी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी, चाहे वो किसी भी फील्ड में थी, मतलब आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली इश्यूज में, आपकी करियर लाइफ में, तो वो सब रिलीज होके एक नई शुरुआत इस सीज़न से होने वाली है, और जो आपको मिल रहा है उसको लाइफ में इकट्ठा कर लेना। अनलॉक द मैजिक विद इन एंड इग्नाइट योर पैशन। देखो कभी कभी क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारे में ये क्वालिटी है, लेकिन हम उस पैशन को अपना ही नहीं रहे होते हैं, या फिर हम उसे लाइफ में करने के लिए एक फायर जो होती है ना वो हमारे में होती ही नहीं है।
जब तक वो फायर नहीं आएगी आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर की आत्मा को बताओगे आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप जो चाहो वो लाइफ में कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आप में बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और जब ये कॉन्फिडेंस बढ़े ना तो उसको रोकना मत। यहाँ पे आपके एंजल कह रहे हैं कि जब आपका अंतर्मन कहे कि यार तुझे ये काम करना है, तब आप उसे रोकना मत, उसको करते रहना, उसे करने देना। आप देखोगे कि आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। ठीक है, तो वृषभ राशि, होपफुली आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है और आप उसे फॉलो भी करने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग 15 से 31 अगस्त के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।